हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए एनर्जी का होना बहुत ज़रूरी होता है और इस एनर्जी को पहुंचाने का काम ब्लड करता है। ब्लड हमारे पूरे शरीर में हर एक कोशिकाओं पे फ्रेश ऑक्सीजन और ग्लूकोज को ब्लड वेसल के थ्रू ले जाने का काम करता है। उसी दौरान ब्लड वेसल का वॉल में जो प्रेशर क्रिएट होता है उसको ब्लड प्रेशर बोला जाता है। दो किस्म का ब्लड प्रेशर हमारे शरीर में मेजर किया जाता है, पहला सिस्टोलिक प्रेशर और दूसरा डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर की अगर बात करें, हार्ट जब पाम करता है पूरे शरीर में ब्लड सप्लाई होती है, उसी दौरान आर्टरी के वाल में जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। और ब्लड फिर से जब हार्ट में रिटर्न आता है उसी दौरान वेन के वाल में जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे डायस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है। एक स्वस्थ आदमी का नॉर्मल ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg होना चाहिए। 120 को सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है और 80 को डायस्टोलिक प्रेशर। अगर किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 150/90 या उसके ऊपर जाने लगता है, इसका मतलब उस व्यक्ति हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर का शिकार है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है एम इस्लाम और स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। तो आज हम लोग बात करेंगे ब्लड प्रेशर बढ़ने का 10 कारण के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर एक, एज यानी उम्र अगर बढ़ने लगता है तो साथ ही साथ हमारे ब्लड वेसल स्टिफ होने लगता है। इसका मतलब इसमें लचीलापन और इलास्टिसिटी घट जाता है। इसके कारण ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नंबर दो, फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके पुरखों में चाहे वो दादा नाना बाप माँ कोई भी हो, उसका अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आपका भी ब्लड प्रेशर होने का खतरा बढ़ जाता है। नंबर तीन, स्मोकिंग। कई आदमी गलत सोचते हैं स्मोकिंग करने से तनाव कम हो जाता है। अगर आप स्मोकिंग करेंगे तो इंस्टेंट आपका प्रेशर तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ लंबे समय तक स्मोकिंग करने से टोबैको हमारे ब्लड वेसल में जाकर ब्लड वेसल को नैरो करता है और साथ ही उसका वाल को भी डैमेज करता है। इसी वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा ज़्यादा होता है। नंबर चार, स्ट्रेस और एंग्जाइटी। स्ट्रेस और एंग्जाइटी का जो प्रेशर है वो फ्लैक्चुएट करता रहता है। अगर आप प्रेशर मेजर कराने के लिए जाते हैं डॉक्टर के पास तो आपका देखा जाएगा प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है, लेकिन फिर से अगर 10 मिनट बाद प्रेशर मेजर करते हैं तो देखेंगे बहुत प्रेशर डाउन हो चुका है। आपको भी अगर ऐसे एंग्जाइटी या डिप्रेशन का बीमारी है तो ज़रूर इलाज करा ले। नंबर पाँच, ओवरवेट। अगर हमारे वजन हमारे हाइट के अनुसार नहीं होता है, उससे ज़्यादा होता है, इसका मतलब हमारे शरीर के हर एक ऑर्गन को ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, ज़्यादा काम करना पड़ता है। उसी तरह हार्ट को भी ज़्यादा ताकत लगाना पड़ता है, ज़्यादा ब्लड को पाम करना पड़ता है और उससे हमारे ब्लड प्रेशर बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नंबर छः, एक्सेसिव सोडियम इनटेक। अगर आप ब्लड प्रेशर मेजर कराने जाते हैं डॉक्टर के पास, अगर आपका प्रेशर ज़्यादा होता है तो डॉक्टर पहला जो सलाह देता है वो है नमक ज़्यादा मत खाना, क्योंकि इसका मतलब है नमक में सोडियम रहता है और सोडियम हमारे शरीर में फ्लूइड को ज़्यादा एब्जॉर्ब करके रखता है, उससे ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा ज़्यादा होता है। नंबर सात, अल्कोहल। अगर आप नियमित रूप से अल्कोहल पीते हैं तो इसमें आपका ब्लड प्रेशर बढ़ने के साथ साथ आपका हार्ट भी डैमेज हो सकता है। नंबर आठ, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। दोस्तों, अगर आप कसरत नहीं करेंगे और सिडेंटरी यानी आलसी लाइफ जिएंगे तो कई ऐसे क्रोनिक डिजीज, चाहे वो ओबेसिटी हो, हाइपरटेंशन हो या ब्लड शुगर, ये सब बीमारी होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। नंबर नौ, मेडिकेशन। कई ऐसे दवाएँ हैं अगर आदमी लेता है तो उसके शरीर में सॉल्ट एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, इसके वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा ज़्यादा होता है। नंबर दस, मेडिकल कंडीशन। कई ऐसे बीमारी है जैसे कि क्रोनिक किडनी डिजीज और स्लीप एपनिया। ये बीमारी में आदमी का नींद ठीक से पूरा नहीं होता है, इसी कारण भी प्रेशर बढ़ सकता है। दोस्तों, सबसे अहम बात यह है, हाई ब्लड प्रेशर एक साइलेंट किलर है। बहुत आदमी दुनिया में ऐसा है जो बहुत ज़्यादा प्रेशर होने के बावजूद भी उसको समझ नहीं आता उसका प्रेशर ज़्यादा है। किसी भी कारण डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर जब उसका प्रेशर मापता है तो देखता है उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है। अगर आपका भी ऐसा है तो आप ज़रूर इसका इलाज कराएं। और इसमें सबसे बड़ी बात है, प्रेशर ज़्यादा बढ़ने के कारण आपका स्ट्रोक या हार्ट अटैक जैसे घातक बीमारी भी हो सकता है। तो इससे आप सतर्क रहें और डॉक्टर के सलाह अनुसार आप ज़रूर दवाई लें। कई आदमी ऐसे होते हैं दवाई थोड़े दिन लेने के बाद बंद कर देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं उसका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो चुका है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाई ब्लड प्रेशर एक क्रॉनिक डिजीज़ है और लंबे समय तक इसको लेना पड़ता है। अगर आप ऐसे दवाई छोड़ देंगे तो परेशानी और भी बढ़ सकती है। इसीलिए अगर इस बीमारी से आपको बचना है तो आप कई प्रिवेंटिव एक्शन ले सकते हैं,
जैसे कि बताया गया है, आप स्मोकिंग ना करें और ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। अगर स्ट्रेस आ भी जाता है तो मैनेज करें। और अगर आपको ब्लड प्रेशर हो चुका है, अब ज़रूर दवाई लें। तो आज के लिए इजाज़त दें, धन्यवाद।